हैं कि नेक्स्ट हियरिंग में फैसला हमारे हक में हो जाएगा। बात करनी है मुझे तुमसे। देखें कोर्ट में केस चल रहा है, आपको जो कुछ भी कहना है वो कोर्ट में कहिए। प्लीज आप बीच में मत बोलिए। देखें मैम मेरा मेरी क्लाइंट है, आपको जो कुछ भी कहना है वो कोर्ट में कहिए। प्लीज आप चुप नहीं रह सकती। मुझे आपसे कोई बात नहीं है। देखो मैं हकीकत जान चुका हूँ, तुम्हें अब खुला देने की जरूरत नहीं है। क्यों ना लूं? सबूत हासिल करने के लिए मैंने इतने धक्के इसीलिए खाए ताकि मैं आपको आपके सामने ला सकूं, इसलिए नहीं ताकि आप मुझसे माफी मांगे और मैं खुशी खुशी आपको वापस ले लूं। मैं मानता हूँ मेरा मुझसे बहुत बड़ी गलती है, मैं खोना नहीं चाहता। खो तो आप मुझे बहुत पहले चुके हैं, बस एक कागज पे फैसला बांध। एक बार फिर सोच लो मीरा, ये फैसला सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं, इसमें हसन भी शामिल है। मैं जानती हूँ तुम ये सोच रही होगी कि एक वकील होकर मैं तुमसे ये सब कुछ क्यों कह रही हूँ। देखो साइम और तुम्हारी दोनों की फैमिली से मेरी बरसों पुरानी रफाकत रही है, लेकिन एक वकील होने के साथ साथ मैं एक औरत भी हूँ। तुमने जो फैसला लिया है मैं तुम्हें उससे पीछे हटने का मशवरा नहीं दूंगी, लेकिन सोचने के लिए जरूर कहूंगी। मीरा हमारी सोसाइटी बहुत बेरहम है, यहाँ जो एक पल में साथ होता है ना वही अगले पल में अजनबी बन जाता है। यहाँ सिंगल मदर होना आसान नहीं, क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? मैं जानती हूँ कि हम जिस माशरे में जीते हैं तो मर्दों की दौड़ में कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलना पड़ता है। शायद आगे जाके मुझे ऐसी बहुत सी चीजों का सामना करना पड़े, लेकिन मैं अपनी कल की सोचते हुए अपने बच्चे की आज खराब नहीं कर सकती। हसन के लिए इस माशरे में सर उठा के जीने के लिए उसकी माँ की शनाख्त का मैं कभी पीछे मुड़ती नहीं देखना चाहती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर वेरी ओन दानिश तैमूर। वॉच माय न्यू सीरियल इश्क है ओनली ऑन ARY डिजिटल एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल आल्सो। थैंक यू।